अच्छा। और आपका इसमें जो है वो कितना इन्वॉल्वमेंट है सारी प्रोग्रामिंग में? और ये चैनल जो चला रहे हैं, डैडी अक्सर मुझसे राय लेते रहते हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों, सही कह रहे हो ना? हाँ, तो अब जो चंद शोज हैं वो जो है इसके अंदर मैं देख रहा हूँ, और मैंने ऐसे शोज बनाए हैं जो कि आने वाले दौर में जब लिखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी जो नई जनरेशन है वो कुछ कर सकती है। निजामी साहब, आपने देखे हैं ये शोज और आप क्या समझते हैं क्वालिटी पे तो कोई कंप्रोमाइज किया ही नहीं है ना, क्वालिटी एक लाख। और मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल पे एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मैं इस्लामी चैनल भी बना के छोड़ूंगा इसको। देखिए ना निजामी साहब, आप लाइफस्टाइल इंक्लूड करें, एंटरटेनमेंट, फैशन, ब्यूटी, म्यूजिक, शायद डांस भी होगा इसमें, तो आप कैसे समझते हैं कि आप वो एस्पेक्ट कैसे इंक्लूड करेंगे? देखिए कन्हैया जी, बात दरअसल ये है कि सारा कुछ तो हम डाल रहे हैं ना, बीच में आधे घंटे 25 मिनट का इस्लामी काम भी डाल देंगे। अच्छा जबरदस्त। अच्छा, चैनल का जो नाम है उसकी इंस्पिरेशन कैसे आई आपके पास? देखिए जी, मैं एक रात अपनी अम्मा जी के साथ की तस्वीर के सामने खड़ा था। मैंने कहा अम्मा जी, मैं भी एक चैनल खोलना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो मेरी अम्मा जी ने, मुझे ऐसे लगा मेरी अम्मा जी ने मेरे कान में बोला है, फिर निजामी शोर बनाओ, शोर शोर निजामी साहब, शोर। हाँ, यही जो आप बोल रही है ना, ये वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, शोर में बोल रहा हूँ, आप जो बोल रही है ठीक बोल रही है। आप में तो नहीं है ना? नहीं, वो थोड़ा मसला। Well, इस वक्त टाइम हुआ एक बहुत छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद there'll be lots of entertainment for sure. So be back. खत्म हो गया। Good job. यही है जिंदगी का प्लस। मेरा ओ गॉड, आज का दिन बहुत ही मुश्किल था। सना, एक बात पूछूं? तुमने ऐसा क्यों किया? Sorry. I really am sorry. मुझे पता था कि मैं लॉन्चिंग से कभी गायब नहीं होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों बस मुझे लगा कि I wanted some time alone. मुझे दिल चाह रहा था कि मैं बस कहीं गायब हो जाऊं. I understand. हम सबको स्पेस चाहिए होता है और ये हमारा राइट भी है, लेकिन लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह करोगी। तुम्हें कुछ पता है, तुमने मुझे हिला के रख दिया। समझ नहीं आ रहा कि तुमसे लड़ूं, तुमसे शिकायत करूं, क्या करूं मैं? लेकिन तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैंने क्यों ये सब किया? क्यों नहीं पूछूंगा, बताओ क्यों किया? मैंने कुछ कह दिया था, मेरी बात बुरी लगी? मैंने तुम्हें फातिमा के बहुत करीब देखा था, लेकिन अगर वो नॉर्मल सिचुएशंस में होता मैं फिर भी कुछ ना समझती, लेकिन पिंकी और फरीना और शायद मेरा अपना दिमाग, आई डोंट नो मैं क्या समझ बैठी थी, बस आई नो आई शुडंट हैव थॉट दैट, आई रियली डू ट्रस्ट यू, आई प्रॉमिस। एक कप कॉफी पिलाओ, क्योंकि इसके अलावा कोई सजा मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारे लिए। For you, anytime.
बेशरम बेगैरत, क्यों तोड़ी तुमने मम्मी? बोला जवाब दो, अब किससे शादी करना चाहती हो तुम? कौन मिल गया तुम्हें रास्ते में? मुझे तो पहले ही मालूम था कि ये बहाना है घर से निकलने का, आवारा गर्दी करने का। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे इस तरह से बात करने का। क्यों? शर्म नहीं आती तुम्हें? बाप के सामने जबान चलाती हो? कुछ नहीं लगते ये मेरे, और नवीद से मंगनी करने और तोड़ने का फैसला मेरा अपना था, और इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। दफा हो जाओ यहां से, जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान चलाने की? लानत है मेरी शक्ल पे, अगर आइंदा मैं इसकी सूरत भी देखूं तो। सब तुम्हारा कसूर है, सहारा दिया, पाला पोसा, पैसा खर्च किया, लेकिन रही ये उसी कमजोर बाप की। क्या कर रहा है भाई, देख के ले जाएं? ओ भाई क्या हो गया यार, लाइट जला दो, बैठे हुए यार। यार बिलाल, यार बिलाल मेरी बात मान, तो तू ताहिर को सब कुछ सच सच बता दे, इससे पहले कि उसे कहीं और से बात पता लगे। पागल हो गया तू? आज चैनल का लॉन्च है और तू कह रहा है कि मैं उसे सब कुछ बता दूं? मैं कभी भी नहीं बताऊंगा बिलाल। एक तो मेरी यही समझ नहीं आता, तूने ऐसा किया ही क्यों? ये चैनल हमारा बेबी है यार, हमने कितनी मेहनत करी है इसके प्रोग्राम डिजाइन करने में, सारा सब कुछ प्लान करने में, तूने तूने अपनी बेबी को बेच डाला यार। देख यार, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूर था बहुत। मजबूर था? ऐसी क्या मजबूरी थी बिलाल, ऐसी क्या मजबूरी थी भाई? और मैं तो तुम्हें बड़ा प्रोफेशनल समझता था भाई। देख भाई बस, इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, अगर ये सब कुछ ना पता चले तब। और हाँ, तू अपनी जुबान को बंद रख, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। नो बिलाल, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ इन सारे एपिसोड्स में नहीं हूँ, आई एम सॉरी भाई। ओ भाई एक्सक्यूज मी, 15 साल की उम्र थी जब से मैं इस प्रोफेशन में आया, तेरी तरह नहीं है कि तेरे वाले साहब ने तुझे भेज दिया बाहर फिल्म मेकिंग करने के लिए, वापस आके किसी भी चैनल में लग गया। बड़ी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बड़ी मेहनत से मैं डायरेक्टर बना हूँ, बातें कर रहा है। तेरा क्या है, तुझे नौकरी से निकालेंगे, तू कर चला जाएगा अपने अब्बा के थ्रू कहीं अमेरिका, लंदन, दुबई, कहीं भी, मैं क्या करूंगा? यहीं से सब कुछ मुझे कमाना है, ये मेरी रोजी रोटी है यार। भी बात सुनो, इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हो, इस मुकाम पे पहुंचे हो कि यहाँ डायरेक्टर बन गए हो, और ये सारे दो नंबर काम करके क्या करना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो भाई, मुझे बताओ। देख बात सुन, मैं यहाँ तेरे लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया, मैं फंस गया हूँ यार बुरी तरह से, मुझे इस चक्कर से निकलना है बाहर। वो जिसको मैंने FPC भेजा था वो भी गलत निकला, ताहिर ने पता नहीं किस वक्त वो FEC चेंज कर दिया था यार। वाकई में? अरे वाह यार, ताहिर तो मेरा हीरो है भाई, आई एम इम्प्रेस्ड, मैं तो उसका फैन हो गया हूँ भाई। बकवास बंद कर तू, और मैंने उन लोगों से पैसे लिए हैं असद,